कोरोना की मार झेल रही सरकार पंचायती जमीन की बोली करवा कर कम से कम ग्रामीण विकास के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के चलते सरकार राजस्व इकट्ठा करने की इस बेहतरीन मौके को गंवा रही है। नीलोखेड़ी के गांव अंजनथली में करीब 170 एकड़ जमीन पंचायत की है, जो हर साल पट्टे पर दी जाती है और जिसे इतना फंड इकट्ठा हो जाता है कि पूरा साल गांव का विकास बेहतरीन तरीके से हो सके। लेकिन इस बार प्रशासनिक अधिकारी बोली करवाने के बजाय पुराने पट्टेदारों को ही 10% बढ़ाकर जमीन अलॉट करना चाहते हैं, जबकि गांव में सैकड़ों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो दोबारा खुली बोली करवा कर महंगे दाम पर जमीन लेना चाहते हैं। ऐसे किसान आज इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सरकार अंजनथली गांव में पंचायती जमीन की खुली बोली करवाए। इन लोगों का कहना है कि पंचायती जमीन की खुली बोली होने से न केवल छोटे किसानों को रोजगार मिलेगा बल्कि सरकार को ज्यादा आय भी होगी, जिससे कोरोना की मार से बंद पड़े गांव के विकास कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार अंजनथली के गांव में भी अन्य गांव की तरह खुली बोली करवाए ताकि पारदर्शी तरीके से पंचायत की आय बढ़ सके। अंजनथली के ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर नीलोखेड़ी विधायक से भी आज मुलाकात करेंगे। इन लोगों का कहना है कि सरकार को जब ग्रामीण आय का एक माध्यम मिला हुआ है तो प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। तो आपका हमारे गांव में आने के लिए स्वागतम। ये हमारे गाँव में बोली ओपन होनी चाहिए, ये किसानों को गुंगराह कर रही है पंचायत। वे गांव में ओपन बोली और या तो हमारे गांव में 10% नो कह रहे भी पिछले पट्टेदार को 10% दिया जाएगा, इससे हमारे किसान कुछ खुश नहीं है। उससे हमारे 25% 30% के लिए देने के लिए राजी हैं और खुली बोली ओपन होनी चाहिए। और हाँ, इसमें किसान को 25% अधिक बढ़ा के भी लेना चाहते हैं तो कुछ ये पंचायती बोली अधिक रेट में जाएगी तो इसमें पंचायत का भी भला होगा। जी ये बोली का मामला है और बोली ये बहुत कम पैसे में छुटवाते हैं 10% में, तो हम 20-25% लेने को तैयार हैं तो ये देते नहीं हैं और कहते हैं कि भी 10% में ही जाएगी। तो ज़्यादा महंगे खरीदार हैं बोली महंगी लगाने? हाँ, ज़्यादा महंगे लेने वाले भी हैं जी। हम तो ये कहते हैं कि मिलनी चाहिए 25% और बोली होनी चाहिए, यही बोली कर नहीं रहे। मुश्किल क्या हो रही है? डिमांड ये है जी मेरे गांव में, मतलब कि ओपन बोली होनी चाहिए। कुछ लोग काफ़ी दिनों से एक ही आदमी के नाम छूट रही है जमीन, 10-10 सालों से वही बहुत तैयार हैं। दूसरे बेचारे गरीब आदमी और एक दो किला लेना चाहते हैं, उनको मिल नहीं रहा। तो मेरे गांव में ओपन बोली होनी चाहिए, यही मैं प्रशासन में मांग। गांव का फायदा क्या होगा? गांव का विकास होगा, पैसा अधिक आएगा तो गांव का विकास होगा। तो अधिकारी से मिले आप लोग? हाँ मिले हैं, वो करने को तैयार नहीं है। को पीछे से भाई हर गांव में बोली हो रही है, मेरे गांव में क्यों नहीं हो रही? हमने प्रशासन से यही मांग की है, मेरे गांव में बोली होनी चाहिए जी। मतलब गांव का तो जमीन पर पंचायत जमीन का सबका क्या मतलब है, तो इसमें कुछ एक आदमी है जो कई साल से अपने आप योग कर रहे हैं, तो कल BDO साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी है, मतलब भाई इसकी बोली होनी चाहिए। वो कहने लगे नहीं 10% बढ़ा करके जिन्होंने ले रखे हैं उन्हीं को 10% हम दे देंगे। तो हमने मगर 10 की बजाय उसमें 20-30-40% भी बढ़ सका है तो पंचायत को फायदा होगा उसमें। तो कहने मतलब ये अभी बोली होनी जरूरी है, मतलब सरकार से ये करते हैं जी हम अपील, कुछ तो कोरोना की वजह से जी सरकार जी ढीली चल रही जी, सरकार में पैसा इधर ला रहे हैं कोरोना की वजह से। सरकार से यही अपील है भाई हमारी बोली ओपन होनी चाहिए जी। हाँ तो फायदा क्या होगा जी? फायदा जी गाँव का विकास होगा जी, गाँव में कार्य होंगे, पैसा ज़्यादा होगा। हाँ पैसा ज़्यादा होगा जी, विकास में पैसा लाया जाएगा जी। हाँ जी 5-4 आदमियों की सिक्योरिटी बरकावा सारी अपने नाम करनी सोचा, 70 आदमियों की सिक्योरिटी दी उनकी सारी का अनदेखी करी। सीधी नहीं होगा अभी इनके नाम 10% काटेगा, हम 25% लेना तैयार है। 70 आदमियों की सिक्योरिटी है, इतने आदमी लेना तैयार है जी, 1-2 किला लेने वाले भी आप बीच में अफसर से मिलेंगे जाओगे? हाँ जी मिलेंगे, सब ना मिलेंगे, सब ना कहेंगे जी इतने इच्छुक है इस जमीन के लेने के, गांव में विकास होगा पंचायत का।
फीस आएगा इतना, ये तो पैसा कुछ भी नहीं आंदा, फ्री में बोन लग रहे कोई 10,000 ना कोई 5,000 ना किला लेकर सेटिंग करके उसमें 2,000 ना भी दे रहे किला। आज हम जाएंगे गाँव में तो 5-10 आदमी मिल कर आएंगे, DC साहब ना, MLA साहब ना, भी मारे गाँव में ऐसे ऐसे हो रहा, मारे कोई सुनाई नहीं है इतने आदमी की, 70 आदमी की सिक्योरिटी हम देखी करी सब ना। पंचायती जमीन में कम बोली को लेकर नीलोखेड़ी के गांव अंजनथली के किसानों में भारी रोष है, जिसको लेकर आज वे तमाम अधिकारियों और विधायक से मिलेंगे। पी पॉजिटिव न्यूज़ से अजय वर्मा।